जहर है कि प्यार है मीठा खाना। लिस्ट वर्स्ट टू बेस्ट टू वर्स्ट डिजर्ट्स। तो जिसने वीडियो देखा है, राष्ट्रवाली का एक रिसेंट वीडियो है, उसमें डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई मिठाइयां सबसे अच्छे से सबसे घटिया मिठाइयां, तो आज हम वही बताएंगे। तो आज जो शौक चढ़ा है हलवाई वाला भैया बनने का, भैया नहीं हलवाई वाली दीदी बनने का, आंटी बनने का, जो भी बनने का, तो आज मैं बनाऊंगी मिठाइयां। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कीड़ा है बनाने का, तो मैं बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ, भाई आप लोग से शेयर करती हूँ। मैंने मिठाइयां बनाई है, तो मैं बताना रहा है कि तुम क्या खा रहे हो। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, उसमें ये है, उसमें वो सब घटिया है। हवा में भी जहर है, हवा भी सुन तो जहर है, कुछ भी खाओ जहर है। ऐसा लगता है अभी नहीं कल नहीं परसों नहीं तभी मरी मरने वाले हैं भाई। हाँ, आज मिस्टर टेस्ट टेस्ट करेंगे, नॉर्मली नहीं, आज मैं उसकी आंख में पट्टी बांधूंगी, उसके बाद उसे टेस्ट कराऊंगी, देखती हूँ पता चलता है कि नहीं कि क्या खा रहा है, तो वो भी बताऊंगी मैं किस किस की रेसिपीज फॉलो की। चलो जलेबी इज नंबर 5 वर्स्ट डिजर्ट। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं चाशनी के साथ, पानी, चीनी और रंग। भाई ये रेड कलर है, मैं तो ऑरेंज सोच के लाई थी, भगवान ये क्या कलर बन गया है। चलो भाई कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। मैदा, पानी का घोल, घबराने का नहीं, ये हमें घी के साथ थोड़ा सा नींबू को फेटना है, जाओ फेटते जाएगा इसमें थोड़ा सा सोडा इसके अंदर। चलो इसके अंदर भर लिया हमने, आप करते हैं बंद। हे भगवान बचा लेना भाई, देखो मेरी आर्टिस्टिक जलेबी बन रही है, जो भी शेप बन रहा है। और ये गई मेरी चाशनी में जलेबी बेबी, जलेबी बेबी। ये रेडी है हमारी जलेबी, जो कि मैंने देख के बनाई थी रक्षा की रसोई से। शक्ल ना जलेबी की है, ना इमरती की है, बीच की कुछ है। पहली बार के हिसाब से सही है। और 4 इज फ्रूट सॉर्बे। हाँ भाई सॉर्बे क्या है भाई, बोला भी नहीं जा रहा है। तो हम बनाएंगे खरबूजा से, काट के फिर पीस के फ्रिज में रखो। मेरा दिमाग उल्टा चलता है तो मैंने उल्टा कर दिया। खरबूजा फ्रिज से बाहर। चीनी के साथ पीसेंगे अब इसको। नींबू, वाटरमेलन मुझे अच्छा वाला मिला नहीं, तो मैं खरबूजा लेके आई हूँ, वाटरमेलन वाला ही गाना गा लेते हैं। वाटरमेलन शुगर, वाटरमेलन शुगर। ये रहा हमारा फ्रूट सॉर्बे, जो कि मैंने बनाया है देख के, टेस्टी एक कुकिंग चैनल है, बहुत टेस्टी लग रहा है। नंबर 3 मोती चूर लड्डू। हाँ भाई अब बनेंगे शादी के लड्डू, बेसन पानी का घोल। मुझे अभी डर लग रहा है, पता नहीं कैसे बनाऊंगी, ये किसी कलाकारी वाले काम मैंने नहीं करे कभी। चीटी जैसा कटा, अभी कट तो जा, गिर रहा है कि नहीं। ओयोयोयोयो, हे प्रभु प्रभु, पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। अबे यार ये तो बूंदी नहीं, बूंदा बन गया। सेकंड ट्राई, अब मैं करूंगी जुगाड़, कुछ भी हो जाने का हार नहीं माननी। नहीं ये भी नहीं हूँ भगवान, कपड़े भी सारे भिड़ गए। बूंदी नहीं, बूंदा नहीं, पकौड़ा नहीं, पता नहीं क्या बनी। कोशिश किया मैंने, पर मुझे पता है मैं गधी हूँ, करती हूँ कुछ जुगाड़। कोई जुगाड़ है क्या? तो मैंने एक वीडियो में देखा था, ये बेसन ऐसे पकौड़े बना के पीस के फिर बनाते, तो वो मेरे जैसे लोगों के लिए ही है जिनसे नहीं बनता है, सीधा पीसो और बनाओ। ये देखो बन गया चूरा चूरा। किसने लाल रंग डाला, कांड किया है, ऑरेंज की जगह रेड कलर लाके अब यूज तो करना पड़ेगा। भगवान सब उल्टा उल्टा हो रहा है। डाल देते हूँ इसमें अपना बेसन। तो मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे से बूंदी नहीं बनेगी, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, वही हुआ। मैं बनाने वाली थी बूंदी, बन गया बूंदा, फिर बन गया बेसन का हलवा, पता नहीं क्या बनेगा। थोड़ा सा डालना है घी। गरम है, गरम है लड्डू। कौन सा बीज डालते हैं वो है नहीं, तो हम ऐसे सिर्फ लड्डू ही बना रहे हैं। सिंह शादी लड्डू मोती चूर का, जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। ये रेडी है हमारे लड्डू, जो कलर का मैंने बनाया है। अगर हलवाई वाले इस कलर का बिछी लगे तो पता नहीं कभी बिके भी नहीं। तो कुछ भी छुपाने का कुछ है नहीं, गलती है सबसे होती है। अगर बनाना इतना ही आसान होता तो हर कोई शेफ होता, तो इसीलिए जो भी गलती होती है मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये रेसिपी थी, मैं फॉलो कर रही थी सागर किचन की, लेकिन आईयो मुझसे नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई, तो मैंने अपना जुगाड़ लगा लिया। नंबर 2 एनी ऑफ योर बंगाली स्वीट्स। हम रसगुल्ला बनाएंगे।
दूध हमें फाड़ना है, दूध उबलिंग, विनेगर पानी मिक्स डालिंग एंड थोड़ा थोड़ा करके मिक्सिंग। ओ भाई ये तो इसी में ही फट गया। अब इसको करेंगे हम छानिंग। हाथों में आ गया चुकल रुमाल मिस्टर टेस्ट का। तो अभी हम इसमें छान लेंगे। अब हम हमारे छाने को खोल के देखते हैं। ये है, हम करेंगे इसके मसलिंग। मसलिंग मसलिंग, ये हमारा रेडी। इसके हम बनाएंगे गोलियां। ये पता नहीं मेरे सारे अलग अलग साइज के सोलर सिस्टम के प्लांट जैसे बन गए हैं। हे भगवान इज्जत रख लेना। पहला गोला गया पानी में, जाओ आक्रमण आक्रमण। फूल रहे फूल रहे, सही लग रहे। खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे का गोला। और ये गोला थोड़ी देर थक देना है इनको। जाएंगे अब इसमें ठंडे पानी में। ओ भाई ये इतना सॉफ्ट है ना, मेरी स्किन में नहीं है इतनी सॉफ्ट। चलो भाई अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। रसगुल्ला खिलाई दे, मुझे गाना पता नहीं था भाई, मैंने देखा भोजपुरी गाना है, रसगुल्ला खिलाई दे। रेडी करेंगे रसगुल्ले का चाशनी। पानी पानी। चलो भाई हमारे रसगुल्ले हो गए हैं ठंडे। चाशनी ये है फ्रॉम मसाला किचन। नंबर वन मैं एक वेस्टर्न डिजर्ट दे दूंगी, कैरमल कस्टर्ड। हाँ भाई सारी हवा तो देसी मिठाई नहीं निकाल दे, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है। पानी चीनी का घोल विनेगर के साथ कैरमल बना लो, डाल दो ठंडा कर लो, और कस्टर्ड का घोल बना के दूध चीनी के साथ गड़ा गड़ा करके उसमें बस डाल दो। थोड़ा वेनिला भी डाल दिया, हर विदेशी मिठाई का साथ ही। और अंडा डलता है इसमें, पर हम तो भाई बिना अंडे के ही बना रहे हैं। बस उसको फ्रिज में रख के ठंडा करो और हो गया। अभी करते हैं इसको उलट पलट। ये मैंने बनाया है देख के फ्रॉम बेक विद शिवेश। देखो चिकनी चिकनी कितना अच्छा लग रहा है। बैड टू गुड। सारा शुगर लेवल मैंने आज ही ले लेना है, उसका दौड़ लगाना है। इतनी मिठाई आपके लिए, सब मिठाई मैंने एक ही बार में बनाई है, पता नहीं कितने घंटे लगाई। अभी मैं जा रही हूँ मिस्टर टेस्टर को बुलाने, आँख बंद करके। क्या है कुछ? अरे बैठो तुम, बैठो बैठो बैठो। मैं तुम्हें सब टेस्ट कराऊंगी, मैंने मिठाइयाँ बनाई है, तुम्हें बताना है कि तुम क्या खा रहे हो। भाई सब आज एकदम सुपर ब्लेंड है सर। ये क्या? मैंगो आइसक्रीम? नहीं, जो भी है कुछ तो फ्रूट है, फ्रूट आइसक्रीम टाइप कुछ है। इट्स फ्रूट शॉर्बेट। वाओ। ओके नेक्स्ट। बाप रे। माय गॉड। एकदम फ्लेवर का विस्फोट हुआ। ये क्या है? कॉफी कैरमल जेली। कैरमल पुडिंग है। एकदम अमेजिंग है। ये रसगुल्ला है? भाई साहब तूने बनाया सब कुछ? ओके। सूजी लड्डू? मेरे सूजी सूजी लग रहा है। सीर राम मेरी बेइज्जती हो गई, सूजी लग रहा है। चलो ये खाओ। दिस इज जलेबी। ओके नाउ यू कैन ओपन योर आईज। बाप रे। देखो शक्ल बेकार, उतनी अच्छी नहीं है सबकी, लेकिन टेस्ट सही है। बेकार शक्ल क्या, माइंड ब्लोइंग है सबसे। पहले तुम ट्राई करो ये, जो मुझे लगा दिस इज कॉफी फ्लेवर, जो कि तुम्हारा फेवरेट होगा। और इसके साथ जाता है आपका, मुझे मीठा पसंद नहीं उतना, बट इट्स गुड। ये इन भाई साहब को मीठा बहुत पसंद है, उस चक्कर में मैंने इतना सब बनाया। ये है और भी माइंड ब्लोइंग इसका बाइट। थैंक यू। सबसे बेस्ट जो बना है वो रसगुल्ला बना है। मतलब हलवाई लोग सीरियसली स्किल है कैसे बनाते हैं। ये लड्डू और ये तो मैंने कुछ तो भी गलतियां कर ली, रसगुल्ला सीरियसली जो बना है ना अमेजिंग स्पॉन्जी। ये है किसका बना? लेकिन मोतीचूर का लड्डू किसका बनता है पता है? बेसन का। एक्चुअली फर्स्ट टाइम बनाया सब कुछ, पता नहीं कैसे कैसे क्या बनाया। क्रेजी, मतलब ये नारी है सब पे भारी। किस यूट्यूबर्स की रेसिपी मुझे